नागमती वियोग खंड पद्मावत व्याख्या पदो छंदो अवतरण की व्याख्या नीचे दी गई है। जो पद छंद अवतरण परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें 3 सितारे, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है उन्हें 5 सितारे दिया गया है। पहला 5 सितारा नागमती चितउर पथ हेरा पियु जो गए फिर किन्हीं न फेरा, नगरी नारी कहु बस परा तेई भी मोही मो सौ सितु हरा, सुवा काल होइले गावा पियु पियु नाही लेत लेत परु जीव भयहु नारायण बावन करा, राज करत वाली राजा छरा करण बान लिन्हई के छंदु भारत भयहु झिलमिल आनंदो, मानत भोग गोपी जंद भोगी लय उपसावा जालंधर जोगी ले कि नहीं भारु कर अरूर लोपी कठिन बिछोऊ जी आई किमि गोपी, सारस जे जोरी किमि हरी मारी गए किन खगी, झूरी झूरी पांजरी धनी भई बिरह के लगी अगी। शब्दार्थ फेरा लौटना नागरी चतुर नारी भारत महाभारत संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उदित है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह की मर्मिक अभिव्यंजना की है। व्याख्या नागमती का पति रत्नसेन पद्मावती के प्रेम से वशीभूत होकर उसकी प्राप्ति के लिए सिंहल द्वीप चला गया है। नागमती रात दिन चित्तौड़ के मार्ग पर आंखें एकाटक लगाए रहती है क्योंकि उसका पति जब से यहाँ से गया है लौटकर वापस नहीं आया है। नागमती रत्नसेन के वापस न लौटने के कारणों पर विचार करती है कि निश्चय ही मेरा पति किसी चातुर नारी के प्रेम पास में फंसकर मुझे भूल गया होगा, अथवा उस नारी ने अपनी मोहनी मुद्रा दिखाकर उसके हृदय से मेरी स्मृति एवं मेरा प्रेम भुला दिया होगा। फिर नागमती आगे सोचती है कि जो हीरामन तोता हमारे यहाँ आया था वह तोता के रूप में साक्षात काल ही था जो मेरे पति का हरण कर ले गया। वह तोता मेरे प्रिय को मुझसे न लेता भले ही मेरे प्राण ले लेता। जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसका ब्रह्मास्त्र बाण मांग लिया था, महाभारत युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा उसे प्रदत्त अलौकिक अक्षय कवच और कुंडली मांग लिया था, उसी प्रकार यह तोता मुझसे मेरा पति मांग ले गया। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को योगी जालंधर ने फुसला बहला कर भोगी से योगी बना दिया था। अंकुर आतुर गोपियों से उनका कृष्ण छीन कर ले गए और उन्हें विरह का पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया, किंतु कोई उन गोपियों को बताए कि कृष्ण से भी उक्त होकर वे कैसे जीवित रहे। इसी प्रकार वह तोता मेरे पति को लेकर लुप्त हो गया। मैं भयंकर विरह पीड़ा में तड़प रही हूँ, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। विशेष इन पंक्तियों में विरह अनुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इसी मार्मिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है। ये पंक्तियां गार्ह स्थिति एवं एक अनिष्ट प्रेम का निर्देशन प्रस्तुत करती है। कवि ने नागमती के विरह को सामान्य नारी के विरह के समान ही चित्रित किया है और ऐसा करके उसका प्रभाव क्षमता में अद्भुत अभिवृद्धि की है। भारतीय कथाओं का उपयोग सूफी काव्य धारा की विशेषता है जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देती है। दूसरा 5 सितारे पियु वियोग असबाउर जीव पपीहा तस बोल है पियु पियु अधिक काम दग्धय सो रमा हरि जीव लय सो गयहु पियु नामा, विरह बान तस लाग न डोली रकत
पचीसी भिजी तन चोली सखी ही हेरी हार मन मारी हहरी परान तजे अब नारी खीन एक आव पेट मह स्वासा ही नहीं जय सब होई निराशा पनु डोला हुई खिची खिच ही चोला पहरक समुझाई नारी मुख बोला प्राण पयान होते के राखा को मिलाव चरित्र के भाखा आह जो मारी बिरह की आगी उठी ते ही हाका हंस जो रहा शरीर महपाख जरे तन थाक शब्दार्थ बाउर बावला रमा स्त्री मैन कामदेव हरी हाथ जोड़कर पैनु पंख संदर्भ व प्रसंग प्रसुद पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्वप्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह की मर्मिक अभिव्यंजना की है। व्याख्या: नागमती का हृदय पति वियोग में इतना बावला हो गया था कि वह हर क्षण पपीहे की भांति पीऊ पीऊ पुकारती रहती थी। वह रमणीय अत्यधिक काम की अग्नि में जल रही थी। वह हीरामन तोता उसके पति को ले जाकर एक तरह से उसका प्राण को ही ले गया था। उसे ऐसा विरह रूपी बाण लगा हुआ था कि वह हील डूल भी नहीं सकती थी। रक्त के निकलने के कारण उसकी चोली भी भीग गई थी। उसे देखकर सखियां सोचने लगी कि अब यह कामदेव को पूरी तरह बसीभूत है और अब यह कांप कांप कर अपने प्राण त्याग देगी। उसके शरीर में क्षण भर के लिए सांस उत्पन्न होती थी और फिर तुरंत चली जाती थी, जिससे सखियां निराश होने लगी। उसको बेहोश देखकर सखियां उस पर पंखे से हवा करते हुए उसकी चोली पर जल छिड़कने लगी। तब जाकर एक पहर के बाद नागमती ने मुख से कुछ बोला। वह कहने लगी कि प्रिय वियोग में जाते हुए उसके प्राण को किसने बचा लिया। अब मुझ चतकी का स्वप्रीतम रूपी मेघ से कौन मिलन कराएगा। कवि कहता है कि नागमती के जब विरह से भरकर आ भरी तो उससे अग्नि निकलने लगी। उस विरहग्नि के कारण उसके शरीर में जीव रूपी जो हंस था उसके पंख जल गए और परिणाम स्वरूप थक कर वह शरीर में ही रह गया। विशेषतः नागमती के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण हुआ है। यहाँ विरह वर्णन ऊहात्मक शैली में है। यह फारसी प्रेमाख्यान की विशेषता है, लेकिन नागमती का वियोग परिस्थिति जन्य है, इसीलिए विरह की गंभीरता छरित नहीं हुई है। इन पंक्तियों की भाषा अवधि है बाउर हहरी और दग वय जैसे ठेठ शब्दों के प्रयोग से यहाँ जीवंतता आई है। रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद चौपाई और दोहा है। तीसरा पांच सितारे पाट महादेई ये न हारु समझी जीव चित चेत चेतु सभारु भंवर कमल सग होई न परावा सवारी ने हमलति पह आवा पीउ सोवाति सौ जस पीरिति ते कु पियास बधु जिय थीति धरती जैसे गगन के नेहा पलटी भय भरे बरखा हेतु मेहा पुनि बसंत ऋतु आवे ने वाली सो रस सो मधुकर सो बेली जनी अस जीव कर सी तू नारी दही तरी वर पुनि उठ हसी भारी दीन दस जल सुखा का नासा पुनि सोई सरोवर होसी होई सोई हसा मिलही सो बिछुरै सजना गही गही भेंट गहंत तपनी मिरी मिर्गीसी राजे हसंती अदरा ते पलुहंत। शब्दार्थ में हा वर्षा पलु हित पल्लवित होना। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत
पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपने अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह की मर्मिक व्यंजना की है। व्याख्या: नागमती अपने पति के वियोग में जल रही है। दासियां और सेविकाएं उसकी इस हालत पर चिंतित हैं और वे नागमती को विभिन्न प्रकार से संतावना देने का प्रयास करती हैं। वे कहती हैं कि हे रानी, आप निराश न हो, हृदय में हार न माने और अपने चित्त को स्थिर रखें। आपका पति सिर्फ आपका है। वे उदाहरण देती हुई कहती हैं कि कमलिनी के पास जाकर भी भंवरा अपनी मालती को नहीं भूलता, पुनः उसके प्रेम पास में बंधकर वापस अपनी मालती के पास आता है। अर्थात यदि राजा रत्नसेन किसी अन्य नारी के मोहाकर्षण में फंस गए तो भी निराश अथवा दुखी होने की बात नहीं है। वे अवश्य ही शीघ्र प्रेम का स्मरण कर वापस आपके पास आएंगे। वे कहती हैं कि जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की आस में अपने प्यास को दबाए रखता है, उसी प्रकार आप भी अपने हृदय को रत्नसेन के प्रेम में एक अनिष्ट बनाए रखें। अपने मन में धैर्य धारण करें, विचलित मत होने दें। दासियां नागमती को समझाने के लिए एक अन्य उदाहरण देती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी आकाश से प्रेम करती है तो आकाश वर्षा ऋतु में प्रतिदान स्वरूप मेघों को वर्षा कर पृथ्वी को अपने प्रेम रस से अपलावित कर देता है, उसी प्रकार राजा रत्नसेन भी अपने प्रेम से आपके हृदय को अपलावित कर देंगे। दासियां कहती हैं कि तब फिर आपके जीवन में बसंत का नवल रस फूट पड़ेगा। वही भ्रमर रूपी राजा रत्नसेन होंगे और लताओं के रूप में आप होंगी। अर्थात समय बीतने पर आपका पति लौट आएगा और आप पूर्व की तरह ही अपने जीवन में पति के प्रेम का रस पान करेंगी। इसीलिए हे सुंदरी, अपने मन को हताश न करें। आपका यह शरीर रूपी तरुअर पुनः पुष्पित पल्लवित हो उठेगा। ग्रीष्म ऋतु में दग्ध होकर तरुअर भी पुनः संभल उठते हैं। 10 दिनों के लिए यदि सरोवर सूख भी गया तो क्या हुआ, वर्षा ऋतु आते ही वह लबलबा भर जाता है, उसका आकर्षण पुनः लौट आता है और जो हंस उसे छोड़कर दूर चले गए होते हैं वे भी पुनः आकर्षित होकर उसी सरोवर में लौटकर क्रीड़ा करने लगता है। दासियां कहती हैं कि जब बिछुड़े जन आपस में मिलते हैं तो बाहों में भरकर एक दूसरे को स्नेह से आह्लादित कर देते हैं। जिस प्रकार जो मृगाशिरा नक्षत्र के ताप को सहता है वह आर्द्र नक्षत्र के आने पर पुनः आनंदित होता है, ठीक उसी प्रकार महारानी आपके भी विरह के दिन समाप्त हो जाएंगे और एक दिन राजा रत्नसेन लौटकर आपको भी अपने प्रेम रस से अपलावित कर देंगे। विशेष इन पंक्तियों में सखी के द्वारा नागमती को प्रबोधन दिया जा रहा है। प्रबोधन दुख को हल्का करने और इसे सहने की सामर्थ्य देने की क्षमता अवश्य रखते हैं। सखी प्राकृतिक और परंपरा से प्राप्त अनुभव के माध्यम से नागमती के मन में जीवन की गतिशीलता और परिस्थितियों की परिवर्तनशीलता के प्रति विश्वास जागती है। सखी यहाँ वियोग को प्रेम के परिपक्वता और अनुभूति की प्रगाढ़ता के लिए रचनात्मक अवसर बताती हैं। मृगशिरा और आर्द्र नक्षत्रों के नाम हैं। पहले का संबंध ग्रीष्म के तपन से है तो दूसरे का वर्षा के आरंभ से। ये पंक्तियाँ जायसी की लोक धार्मिकता और प्राकृति को देखने की सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देती हैं। भाषा अवधि अलंकार उपमा और दृष्टव्य छंद दोहा और चौपाई चौथा पांच सितारे
चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा सजा बिरह दुंद दल बाजा धूम श्याम धरय घन धाये से तू सेत भुजा बागुपाति देखाए खरग बीज चमकाए चहु ओरा बूंद बान बरिसय घन घोरा आद्र लाग बिजु भुइले मोही पिया बिनु को आदर देही आनहु घटा आई चहु फेरी कंत उबारु मदन हौ घेरी दादुर मोर कोकिला पियु करही बेज घट रहे न जो पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा हौ बिनु नाह मंदिर को छावा जिनी घर कांत ते सुखी तिन्हें गौर तिन गर्व कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सर्व संदर्भ दिया गया काव्य अवतरण निर्गुण प्रेमाश्रय काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत की ख्याति जिन कारणों से है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वक्त व्यक्त प्रेम दर्शन और प्रेम की सघन अनुभूतियां ये पंक्तियां इसी गहन प्रेम दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंघल दीप जाने पर विरह से उसकी दशा कितनी कातर है यह दिखाने के लिए जायसी ने 12 मासा वर्णन की प्रसिद्ध कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया है। व्याख्या नागमती अपने विरह को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि अषाढ़ का महीना आ चुका है, आकाश में बादल इस प्रकार गरज रहे हैं मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की सेना इकट्ठी कर ली है और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। आकाश में धूमिल काले और सफेद रंग के बादल इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनके बीच उड़ती हुई बगुलों की पंक्तियां ऐसी मालूम पड़ती हैं जैसे श्वेत पताका फहरा रही है। बिजलियों का चमकाना ऐसा लगता है मानो शत्रु तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहा है। आद्र नक्षत्र आ गया है, खेत बोए जाने लगे हैं, किंतु प्रियतम के बिना मुझे कौन आदर दे। घटाए उमड़ घुमड़ कर मुझे कोम दीप्त कर रही है, हे स्वामी तुम आकर इनसे मेरी रक्षा करो। ऐसे कठिन समय में मेढक मोर कोयल और पपीहे सभी चोर करके मेरे विरह वेदना को इस कदर बढ़ा रहे हैं कि लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। पुष्प नक्षत्र आ चुका है किंतु मैं स्वामी के बिना अपने घर में अकेली हूँ। जब घनघोर वर्षा होगी तब कौन हमारे छप्पर की मरम्मत करेगा और हमारी सुरक्षा करेगा। ऐसे सुहावने मौसम में जिन स्त्रियों के पति उनके घर में हैं वे गर्भ से फूली नहीं समा रही हैं, लेकिन मेरे प्रियतम तो परदेश में है, इसीलिए मैं अपना सारा सुख भूल चुकी हूँ। विशेष 12 मासा वर्णन की परंपरा दिखाई देती है। नागमती के वियोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसमें निहित गार्य स्थितिकता पवित्रता व सात्विकता में है जो पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवाज जैसी पंक्तियों में नजर आती है। इस विरह वर्णन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें विशिष्ट जन और साधारण जन का अंतराल लुप्त हो गया है। इसमें नागमती का रानीपन नहीं नारीपन उभरा है। इसने विरह को साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता प्रदान की है। प्रकृति के उपयोग की दृष्टि से ये पंक्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं। ये पंक्तियाँ एक विशेष दृष्टि से देखने पर मध्यकालीन नारी की वास्तविक स्थिति उजागर करती है। इन पंक्तियों की भाषा ठेठ अवधि है और इनमें निहित माधुर्य का एक बड़ा कारण ठेठ भाषा का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग है। इस दृष्टि से जायसी की अवधि तुलसी की अवधि से काफी अलग है, क्योंकि तुलसी ने सांस्कृतिक के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाला है। छंद का प्रयोग कड़वक शैली का है जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का धत्ता दिया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की छाटा दर्शनीय है। 5वां सावन बरिस में अतिवानी ही अब भरई हव बिरही झुरानी लागू पुन पुनर्वसु पियु न देखा भयो बाउरी कह कंत स्वरेखा रकत क आंसू परे भुई टूटी रेगी चली जनु वीर बहु हूटी सखिन्न रचा पियु संग ही डोला हरियर भुई कुसुभी तन चोला
ही डोला जस डोले है मोरा, बिरह झुलावे दे झकोरा, बाट सुही यथा गंभीरा, जीव बाउरु भा भवे भभीरा, जगबल बूढ़ी जहाँ लागी ताकि लगी ताकि, मोर नावक खेवक बिन थाकी, पर्वत समुद अग अगम बीच बन बेहड़ धन धग की करी भटकत, तो ही न मोही पाव न पख, शब्दार्थ भरनी मुसलाधार बिष्ट खेवक मल्लाह। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग कांड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इस पद में जायसी ने नागमती के विरह की मर्मिक अभिव्यंजना की है। व्याख्या, सावन आ चुका है, घनघोर वर्षा हो रही है जिससे धान के खेतों में पानी भर गया है, किंतु दूसरी ओर विरह के ताप से मैं शुष्क होती जा रही हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र भी लग गया है और तब भी मुझे प्रियतम का दर्शन नहीं हो पाया है। ये ज्ञानी समझदार है, वे जानते हैं कि ऐसे मौसम में विरह और काम वेदना स्त्रियों को किस कदर सताती है। संभव है कि वे इस नक्षत्र को नहीं देख पाए हो, अन्यथा वे शीघ्र वापस लौटकर मुझे अपनी प्रेम सुधा से नहला डालते। मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू टपक टपक कर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वीर बहुतिया जमीन पर रेंग रही हो। मेरी सखियों ने अपने पति के साथ झूला झूलना आरंभ कर दिया है, उन्हें कुसुम्भी वस्त्र धारण कर लिया है, और हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा यह हृदय झूले के समान इधर से उधर, उधर से इधर झूल रहा है, इसे कहीं आश्रय नहीं मिल पा रहा है। मेरा मन पागल है और भी क्षिप्त हो भंवरी मक्खी के समान इधर उधर चक्कर काट रहा है, मुझे कहीं मार्ग नहीं दिखता है। चारों ओर अथाह जल राशि ही दिखाई दिख रही है, ऐसे में मेरी जीवन नैना बिना मल्लाह के अर्थात बिना प्रियतम के कौन खेपेगा। नागमती अपनी विवशता प्रकट करती हुई कहती है कि प्रियतम, तुम तक पहुंचने वाले मार्ग में न जाने कितने दुर्गम पर्वत सागर बिहड़ और घने जंगल होंगे, इन्हें पाकर मैं तुमसे कैसे मिलूं। न मेरे इतने क्षमतावान पैर हैं और न ही पंख हैं, तुम्हारे विरह में मैं इतनी अशक्त और दुर्बल हो चुकी हूँ कि मेरे लिए तुम तक पहुँचना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। विशेष इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती के माध्यम से मध्ययुगनी स्त्री की वियोग जन्य यातना, निर्वलंबता और निर्विकल्पता की मर्मिक अभिव्यक्ति की है। साथियों का अपने प्रियतम के साथ झूला झूलना, सावन की मेघ बिष्टि से धरती का जलमग्न हो जाना जैसे अनेक प्रसंग उसकी यातना को तो तीव्र करते ही हैं, उसके मन में प्रिय से मिलन की आकांक्षा को भी प्रबल करते हैं। वियोग दशा में नागमती की आंखों से गिरने वाले रक्त के आंसू ही मानो पृथ्वी पर रेंगने वाली वीर बहुटिया हो। इस प्रसंग में उत्प्रेक्षा अलंकार का चमत्कार हो तो होता है ही, यह कवि की मौलिक कल्पनाशीलता लोक धार्मिक और दृष्टि और प्राकृतिक प्रवेक्षणी शक्ति का भी परिचायक है। प्रस्तुत पंक्तियों की भाषा अवधि है, औध चंचल के ठेठ देशज शब्द और मुहावरे के प्रयोग से इनमें जीवंतता आई है। छंद चौपाई और दोहाए जायसी ने नागमती वियोग वर्णन के प्रसंग में बारहमासा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी की रचनात्मक प्रयोग किया है। छठवां पांच सितारे भर भौदा दुभर अति भारी, कैसे भराव रैनी अधियारी, मदली सुन पिया अनौत बसा, सेज नाग भयो धयो धयो डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मर हिया फाटी, चमकी बीज घन गर जियत रासा, बिरह काल होई जीव गरासा, बरिसव माग झकोरी झकोरी, मोरे दुई नैन चुवती असी ओरी, पूर्वा लाग पहुई मी जलपुरी, आक जवास भई हौ झूरी, ध्वनि
सुखी भर भौद महा अबहु आई न सी चति नहा जल थल भरे अपि ऋषभ गगन धरती मिली एक जन्नी धनी जोवन ओ गाहक महदे बुढ़त पियटे एक। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। व्याख्या नागमती रत्नसेन के विरह में जल रही है। नागमती अपनी कथा सुनाती हुई कहती है कि जल से भरे इस भादो महीने को काटना मेरे लिए दुभर हो रहा है। मेरा घर सुना है रातें अंधकारमय है। इसी ऐसी स्थिति में प्रियतम के बिना मैं इन सुनी और अंधेरी रातों को कैसे काटूं। मेरे प्रियतम कहीं दूर चले गए हैं और मेरी सया नागिन बनकर डस रही है। मैं सेज की एक पाई की पकड़े उस पर अकेली पड़ी रहती हूँ। स्वामी की प्रतीक्षा में मैं अपने नेत्रों को फैलाए बांट देखती रहती हूँ और वेदना के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बिजली चमक चमक कर और बादल गरज गरज कर मुझे डराते रहते हैं। विरह काल के समान डरता है। मेघ नक्षत्र के आने से बादल मूसलाधार बरस रहा है और मेरे नैनों से आंसू इस प्रकार बरस रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में मकान की ओरी से पानी चूता। वो भादो का महीना बीत गया है और फागुनी नक्षत्र लग गया है। सारी पृथ्वी वर्षा जल से भर गई है। फिर आगे नागमती कहती हैं कि आक और जो वासा के वक्ष जिस प्रकार वर्षा ऋतु में झुलस कर सूख जाते हैं उसी प्रकार इस वर्षा ऋतु में झुलस कर मैं भी सूख गई हूँ। मैं रमणीय हूँ, सुंदरी हूँ। यह महीना जल से भरा हुआ भादों का है किंतु मैं विरह तप से सूखती चली जा रही हूँ। परंतु अब भी मेरे स्वामी आकर मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर रहे हैं। सारी पृथ्वी लबलबा भरी पड़ी है। पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह सागर में डूबती जा रही हूँ, आकर मेरी रक्षा करो। विशेष इन पंक्तियों में विरह अनुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इसी मार्मिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है। ये पंक्तियां गार्ह स्थिति के एक अनिष्ट प्रेम को प्रस्तुत करती हैं। कवि ने इन पंक्तियों में षड ऋतु वर्णन की कथानक रूढ़ी को अपनाते हुए भादो ऋतु को ऋतु का अत्यंत जीवंत चित्रण किया है। प्राकृतिक से तदात्मय स्थापित करते हुए कवि ने नागमती के विरह को सामान्य नारी के विरह के समान ही चित्रित किया है। यह उसकी प्रभाव क्षमता में अद्भुत अभिवृद्धि करता है। जायसी ने इन पंक्तियों में पहुई मी जैसे ठेठ अवधि के शब्दों का प्रयोग कर कविता को भाषिक मिठास से भर दिया है। सातवां लाग कु आर नीर जग घटा अबहु आय पियुहु पर भूमि लटा तो ही देख पियु पलुए काया उतरा चित फेरी करु माया उह अगस्तिक हस्तिक हस्ती घन गाजा तुरे प्लानी चढ़े रन राजा चित्रा मीति मीनी मीन घर आया कोकिल पियु पुकारत पावा स्वाति बूंद चातिक मुख परे सीप समुद्र मोती लय भरे सरोवर सवारी हंस चली आए सारस कुरही खेजन देखाए भय अवगास काश वन फूले कांत न फिरे विदे सही भूले बिरही अस्थि तन सल खाई करे तन चूर बेगिया ही पियु पाहुज गा जहु हो सुदूर शब्दार्थ तुरे घोड़ा औ गास स्थान। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इसमें नागमती के विरह का वर्णन हुआ है। व्याख्या इस पद में नागमती सोच रही है कि
का महीना लग गया है, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त प्राय हो गई है। वर्षा के जल से जो सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, जलमग्न हो गए थे, अब वर्षा जल घटने से मार्ग खुल गया है। अब तो प्रियतम मेरे पास आ जाओ, मेरी देह जो तुम्हारे विरह में छीण हो गई है, तुम्हें देख कर पुनः लह लहा उठेगी। तुम्हारे हृदय से मैं दूर हो गई हूँ, मुझे पुनः अपने हृदय में स्थान दो। मुझ पर पुनः अपने स्नेह की वर्षा करो, मुझ पर दया करो। अगस्त्य नक्षत्र समाप्त हुआ है, हाथिया नक्षत्र आरंभ हो गया है। वर्षा काल समाप्त होते देख कर राजाओं ने घोड़ों को कसवाकर युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। कोकिल और पपीहे मधुर गान गाकर अपना अभिष्ट सिद्ध कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र भी आ गया है, जिससे पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त हो गया है। नागमती आगे कहती हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आने से मेरे भी प्रियतम से मिलने का समय आ गया है। चातक के मुख में स्वाति जल की बूंद पड़ गई है और समुद्र की सीपियों में भी स्वाति जल पड़ने से मोती भर गई है, अर्थात सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। हंस सरोवर में लौट आए हैं, सारस के जोड़े क्रीड़ा कर रहे हैं, खंजन पंछी के जोड़े भी दिखाई देने लगे हैं, काश के सफेद फूल खिलने लगे हैं। किंतु हे स्वामी, तुम अब भी लौट कर नहीं आए, मुझे भी स्मृति कर विदेश में ही रमे हुए हो। विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को शूल की भांति पीड़ा पहुंचा रहा है, इसीलिए हे प्रियतम तुम सिंह बनकर आओ और इसे युद्ध में परास्त कर मेरी रक्षा करो। विशेष ये पंक्तियाँ नागमती की ही नहीं, मध्ययुगनी स्त्री की भी योग जन्म यातना निर्वलंबता निर्विकल्पनाता और प्रियतम से मिलन की कामना की मर्मिक अभिव्यंजना करती हैं। संसार को शीतलता प्रदान करने वाली शरद ऋतु की चांदनी के बीच नागमती विरह की आग में जल रही हैं। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, इसके अलावा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में जायसी को लोक धार्मिकता का प्रमाण मिलता है। भाषा अवधि है परव देवारी झूरी जैसे ठेठ देशा शब्द एवं छार शीर मेली जैसे मुहावरों के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में अभिवृद्धि हुई है। छंद दोहा और चौपाई है। जायसी ने नागमती वियोग वर्णन के प्रसंग में 12 मासा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी की रचनात्मक प्रयोग किया है। 8 कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हो विरह जारी। 14 करा किन्हीं पर गाछु जानहु जरे सब धरती अकाचु। तन मन सेज करे आगि डाहू सब कहे चांद मोही होई राहु। चौखंड लागे अधियारा जो घर नाहिन कंत प्यारा। अबहु निठुर आव एही बारा परब देवारी होई संसारा। सुखी झुमक गवाही अघमोरी है ओ झूरी बिछुरी जेई जोरी। जेई घर पियूसो मुनि वारा पूजा मौ कह बिरह स्वाति दुख दूजा। सखी मनाही देवहारा सब गाई देवारी खेली। हौ हो का खेलो कंत बिनु ते ही रही छार सिर मेली। शब्दार्थ जारी जलना करा कला प्रकाश प्रकाश अगे डाहु आग जलाना। स्वाति सौत झुमक एक गीत विशेष छार मिट्टी। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उदित है। इसमें नागमती के वियोग का वर्णन हुआ है। व्याख्या कार्तिक के महीनों में शरद कालीन चंद्रमा की उजास फैलने वाली बिरहड़ी नागमती सोचती हैं कि सारे जगत में चंद्रमा के प्रकाश से युक्त शीतलता व्याप्त है, जबकि वह बिरहग्नि में जल रही हैं। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर प्रकाश फैला रहा है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश में सब कुछ जल रहा है। मेरे
शरीर मन और शैया सभी आग उगल रहे हैं। सबके लिए तो वह चंद्रमा है, लेकिन मेरे लिए राहु हो गया है। मुझे चारों ओर अंधकार ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि क्योंकि मेरा प्रिय पति मेरे पास नहीं है। हे निष्ठुर, अब भी एक बार तो लौट कर आओ, जब जगह दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। सखियां नाच नाच कर झूम गा रही हैं, जबकि मैं तुमसे बिछड़ जाने के कारण विरह में झुलसती हुई जल रही हूँ। जिसके घर में पति है वे मुनियों की पूजा कर रही हैं, जबकि मैं प्रिय वियोग और सौत के दुहारे दुख को सह रही हूँ। तभी सभी सखियां हंसते खेलते दिवाली का त्यौहार मना रही हैं। मैं भला पति के बिना दिवाली का त्यौहार क्यों मनाऊं, इसीलिए अपने सिर पर धूल डाल रही हूँ। विशेष ये पंक्तियां नागमती की ही नहीं, मध्य युगनी स्त्री की वियोग जन्म यातना निर्वलंबता निर्विकल्पता और प्रियतम से मिलन की कामना की मार्मिक अभिव्यंजना करती हैं। संसार को शीतलता प्रदान करने वाली शरद ऋतु की चांदनी के बीच नागमती विरह की आग में जल रही है। इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है, इसके अलावा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में जायसी को लोक धार्मिकता का प्रमाण मिलता है। 9-5 सितारे अगहन देवस घटा निशि बाढ़ी दुभर दुखे सो जाई किम कारी अब धनी देवस बिरह बाराती जरे बिरह ज्यों दीपक बाती कांपहिया जनावासियु ते पै जाई होई संग पियू घर घर चीर रचा सबकाऊ मोर रूप रंग ले गाना हूँ पलटी न बहुरा गा जो बिछोई अहू फिरे फिरे रंग सोई सियारी अग्नि बिरिहनी ही अजारा सुलगी सुलगी दगैध भयो छारा यह दुख दगध न जाने कंतु जोबन जरम कर भस्मंतु पियसो कहु सदे सारा हे भौरा हे काग सो धनी बिरहे जरी गई एहिक धुआं हम लाग शब्दार्थ दुभर कठिन किमि कैसे काढ़ी निकालना देवस दिन्हा जनावा प्रकट हुआ शिव शीत पलटी न बहुरा लौट कर नहीं आया सियारी शीतल। संदर्भ व प्रसंग प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इन पंक्तियों में नागमती के विरह की साधारणीकरण प्रकृति का आलंबन लेकर किया गया है। व्याख्या अगहन के महीनों में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गई तो नागमती की विरह अनुभूति और तीव्र हो गई है, जिसे दूर करने का कोई उपाय उसे नहीं दिखा रहा था। अब विरह के कारण दिन भी रात के समान कष्टकारी हो गया था और वह दीपक की वार्तिका की तरह विरह में तिल तिल कर जल रही थी। ठंड पड़ने के कारण उसका हृदय कांपने लगा था और वह प्रिय का साथ मिलने पर ही दूर हो सकता था। ठंड से बचने के लिए हर घर में नए नए वस्त्र बन गए थे, लेकिन नागमती सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग को प्रिय अपने साथ ही ले गए हैं। तात्पर्य है कि वस्त्र भूषण में उसकी कोई अभिरुचि नहीं रह गई थी। वह सोच रही थी कि उससे दूर जाने के बाद एक बार भी उसके पति लौट कर नहीं आए। यदि वे अब भी आ जाते तो उसके पुराने दिनों का आनंद वापस आ जाता। ठंड आग बनकर उसके हृदय को जलाता रहता था और उसमें सुलग सुलग कर वह राख हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि मेरे दुखाग्नि से मेरा पति अनभिज्ञ है और इस कारण उसका जीवन का और यौवन नष्ट होता जा रहा है। नागमती भ्रमर और काग को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरे प्रियतम से मेरा यह संदेश कहना कि उनके वियोग की आग में मैं जल चुकी हूँ और उसी से उत्पन्न धुएं के कारण हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। विशेषतः इन पंक्तियों में जीवन की कठोर परिस्थितियां और मनुष्य की कोमल आकांक्षा के द्वंद्व को उभारा गया है। परिस्थिति
और आकांक्षा के बीच का यह द्वंद्व ही इन पंक्तियों में कवित्व की सृष्टि करता है। इन पंक्तियों में जायसी की लोकाधार्मिकता का परिचय मिलता है। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति और विरोधाभास अलंकारों की सुंदर योजना हुई है। भाषा जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि है। चौपाई और दोहा छंद फारसी मसनवियों में पाई जाने वाली उहात्मकता की प्रवृत्ति अंतिम पंक्तियों में है। वियोग की दशा में नागमती अपनी रानीपन भूलकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर उतर आई है। तभी वह वन में जाकर पशु पक्षियों से प्रिय का पता लगाने को कहती है। 10 5 सितारे पूस जाड़ थर थर तना कपा सुरुज जाई लंका दिशि चपा विरह बाढ़ दरुण भास्यू कपि कपि मरह ले हरि जीव कंत कहाँ लागह ओहि ही अरे पंथ अपार सुख नाहि नियरे सौर सपेति आवह जुड़ी जानहु सेज हिउ चल बूढ़ी चकई निसी बिछुरह दिन मीला हो दिन राति बिरह कोकिला रैनी अकेली साथ नाहि सखी कैसे जिए बिछोई पखी बिरह सचान भयो तन जाड़ा जियत खाई ओहु मुह न छाड़ा रकत ढूरा मासु गरा हड़ा भयो सब शंख ध्वनि सरस होई रारी मुई पियू समेट ही पंख। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति भक्तिकालीन हिंदी कविता की निर्गुण प्रेमाश्रयी अथवा सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि मालिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत प्रेम की सघन अनुभूति का काव्य है और प्रेम जायसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। प्रसंग व्याख्या पंक्तियों का संबंध नागमती के वियोग वर्णन से है। व्याख्या नागमती कहती है कि पूस के महीने में जाड़े के कारण शरीर थर थर कांप रहा है। सूरज भी ठंड के भय से लंका अथवा दक्षिण दिशा की ओर जाकर तप रहा है। वियोग के बढ़ने से शीत अधिक दारुण हो गया है जिसके कारण मैं कांप कांप कर मर रही हूँ। यह मेरा प्राण ही ले लेगा। ऐसी दशा में मेरा स्वामी कहाँ है जो मैं उसके हृदय से लग जाऊं। हे नाथ तुम्हारे पास पहुंचने का मार्ग अपार है और मुझे निकट की वस्तु भी नहीं सूझ रही है। ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी मुझे जुड़ी शीत ज्वर लग रहा रही है। ऐसा लगता है कि सेज हिमालय के बर्फ से ढकी हुई हो। चकई रात में चकवे से बिछड़ने के बाद दिन में मिल जाती है लेकिन मैं तो तुम्हारे वियोग में रात दिन कोयला बनी पुकार रही हूँ। रात में भी मैं अकेली रहती हूँ कोई सखी भी साथ में नहीं है। मैं कैसे जीऊँ मेरी जोड़ी का पंछी बिछड़ा हुआ है। विरह रूपी बाज भय वह होकर मेरे शरीर की चारों ओर मंडरा रहा है। यह मुझे जीते जी खा जाएगा मरने के बाद तो किस तरह नहीं छोड़ेगा। रत्नसेन को संबोधित करती हुई नागमती कहती है कि विरह की अवस्था में मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है। हड्डियां सूख कर शंख हो गई हैं। मेरी स्थिति उस सारस के समान है जो अपने प्रिय से बिछुड़ने के बाद उसका नाम रटते रटते प्राण त्याग देती है ताकि मरने के बाद ही सही उसका प्रिय आए और उसके बिखरे हुए पंख को समेट दे। हे नाथ तुम भी आओ और मेरे बिखरे हुए जीवन को समेट दो। विशेष इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती के माध्यम से मध्यकालीन स्त्री के गारे स्थितिक प्रेम की पवित्रता और एक अनिष्टता के साथ साथ पति की अनुपस्थिति में उसका निर्विकल्पता और विकल्पहीनता की मर्मिक अभिव्यक्ति की है। ये पंक्तियां जायसी को लोकधर्मी दृष्टि और उनकी प्रकृति पर्यवेक्षणी शक्ति का प्रमाण देती हैं। इन पंक्तियों की भाषा ठेठ अवधि है। अवधि प्रदेश के ठेठ शब्दों और मुहावरों के प्रयोग से इनमें जीवंतता आई है। उत्प्रेक्षा रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अंतिम दो पंक्तियां में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और शेष में चौपाई का प्रयोग हुआ है। 11 लगेउ माघ परे अब पाला बिरहा काल भय उजड़ काला पहल पहल तन रुई छापे हरी हरी धिक को ही कांपे
आई सुर होई तपु रे ए नाहा हो तोई बिनु जड़ न छूटे माहा ए माहा उपजे रस मूलू ते तू शोक भोरे मोर जो बन फूलू नैन चुवही जस महवट नीरू तोही बिनु अंग लाग रस सर चीरू टप टप बूंद पर ही अस जस ओला बिरह पवन होई मारे झोला के खसी गार को परियु पटोरा गिउ न हार रही होई ही डोरा तुम बिनु कांपे धनी ही आतन तिन उर भाडोला तुही पर बिरह जार जरई के चहे उड़ाव झोल शब्दार्थ पहल पहल जितना ही अधिक या पहलू पहलू महा माघ मास में रस रस मूलू रस का मूल अर्थात काम महावट महावट जड़ों में होने वाली वर्षा जड़ों में होने वाली वर्षा सर चीर वस्त्र बाण के समान लगते हैं झोला पछौर तीन उर तिनको का समूह झोला राख संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि जायसी की रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत प्रेम की सघन अनुभूति का काव्य है और प्रेम जायसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। प्रसंग व्याख्य पंक्तियों का संबंध नागमती के वियोग वर्णन से है। इन पंक्तियों में रत्नसेन के पद्मावती की खोज में चल जाने के कारण उसकी पत्नी नागमती की असहायता निर्वलंबता वियोग जन्य व्यवस्था और प्रिय से मिलन की उत्कट इच्छा की मर्मी का अभिव्यक्ति हुई है। इस वियोग वर्णन में जायसी ने बरह माचा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। व्याख्या नागमती कहती है कि पूस के बाद माघ महीना आ गया है। इस महीने में कड़ावे कड़ाके की सर्दी और पाला पड़ने लगा है। इस कारण विरह मेरे लिए काल के समान हो गया है। जितना अधिक मैं अपने शरीर को रुई के वस्त्रों में ढकती हूँ उतना ही अधिक मेरा शरीर हर हर के कांपता है। हे नाथ तुम आओ और सूरज की तरह मुझे तप करो। तुम्हारे बिना माघ का यह ठंड जाने वाला नहीं है। इसी महीने में रस का मूल अर्थात काम उत्पन्न होता है जो बसंत में वनस्पतियों में फूलों के रूप में प्रकट होता है। तुम भ्रमर की तरह मेरे यवन रूपी पुष्प का पान करो। मेरी आंखों से रात दिन माघ की झड़ी की तरह अश्रु गिरते रहते हैं। इस अश्रु वर्षा से भीगे हुए मेरे वस्त्र तीखे बाणों की तरह मेरे शरीर में चुभते हैं। आंखों से गिरने वाली ये बूंदे ओलों की भांति ठंडी है और विरह रूपी पवन से मिलकर मेरे शरीर को झोर रही है। नागमती पूछती है कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं। मेरी गर्दन धागे के समान क्षीण हो गई है। इसमें हार के भार को सहन की शक्ति नहीं है। इसीलिए मैं हार भी नहीं पहनती। आगे वह कहती है कि हे नाथ तुम्हारे बिना मेरा शरीर सूख कर तिनके के समान हो गया है जो इधर उधर बिखर रहा है। उस पर भी विरह की अग्नि उसे जलाकर राख बना कर उड़ा देना चाहती है। विशेष इन पंक्तियों में जीवन की कठोर परिस्थितियां और मनुष्य की कोमलता आकांक्षा के द्वंद्व को उभारा गया है। यह द्वंद्व या तनाव ही इन पंक्तियों में कवित्व की सृष्टि करता है। नागमती की यातना इतनी गहरी है कि उसे अपनी देह और सूखे तिनके में कोई फर्क नहीं नजर आता है। संबंधों की गहरी अनुभूति ताप इन पंक्तियों में मौजूद है। रत्नसेन के साथ नागमती के संबंधों की गहरी अनुभूति के कारण ही उसकी अनुपस्थिति में उसे पूरा जीवन बिखरा बिखरा नजर आता है। भाषा औध प्रदेश के सामान्य जनों द्वारा बोली जाने वाली ठेठ अवधि छंद चौपाई एवं दोहा बारह पांच सितारे फागुन पवन झकोरा बहा चौगुन शिव जाय नहीं सहा तन जस पियर पात भा मोरा ते पर बिरह दे झकझोरा तिरिवर झरही झरही बन ढाखा भई ओनत फूली फरी सखा करही बन सपति ही हुलसा हुलासा सो कहु भा जगदुन उदासु फागु करही
सब चरी जोरी मोहि तन लाही दिन नहीं जस होरी। जौ पै पीऊ जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। राति दिवस बस यह जीव मोरे, लागै निहोर कंत यह बतोरे। यह तन जौरे छार के कहो कि पवन उड़ाओ, मुक्त ही मारग उड़ी परे कंत धरे जहाँ पाओ। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि जायसी की रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत प्रेम की सघन अनुभूति का काव्य है और प्रेम जायसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। प्रसंग प्रेम व्याख्याएं पंक्तियों का संबंध नागमती के वियोग वर्णन से है। इन पंक्तियों में रत्नसेन के पद्मावती की खोज में चले जाने के कारण उसकी पत्नी नागमती की असहायता, निरवलंबता, वियोगजन्य व्यवस्था और प्रिय से मिलने की उत्कट इच्छा की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस वियोग वर्णन में जायसी ने 12 मासा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। व्याख्या नागमती कहती है कि फागुन माह में हवा झोंके के साथ बहती है, इसी कारण ठंड चौगुनी हो गई है। इसे कैसे सहा जाए, मेरा शरीर पीले पत्तल के जैसे हो गया है। जिस प्रकार फागुन में हवा पेड़ों के पीले पत्तों को झकोर झकझोर कर नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार विरह रूपी पवन तीव्रता से मेरे शरीर को झकझोर रहा है। सभी प्रकार के पेड़ पौधे से यहाँ तक कि जंगल में पलाश के पेड़ से भी पत्ते झड़ गए हैं। नागमती कहती हैं कि पतझड़ के बाद नव पल्लव के आने से सारी वनस्पतियों में उल्लास भर आया है। सभी लोग चाचर जोड़कर फाग मना रहे हैं, लेकिन इस आनंदोत्सव को देखकर मेरा विरह और भी तीव्र हो गया है। जैसे हृदय में होली कि आग जल रही हो, यदि मेरे प्रिय आ जाते तो मुझे इस प्रकार दग्ध होती देख लेते, उन्हें यही अच्छा लगता तो मुझे जलने मरने में कोई रोष नहीं। हे कंत, रात दिन मेरे मन में यही भाव आता है कि तुम्हारे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, इसी पर शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से प्रार्थना करूं कि इस राख को उड़ाकर उस मार्ग पर बिखेर दो जहां मेरे प्रियतम कभी पांव रखें। विशेष चांचरी श्रृंगार की नित्य गीत है जो फागुन में गाया जाता है। इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती के माध्यम से मध्यकालीन स्त्री के गारे स्थिति, प्रेम की पवित्रता, एक निष्ठा, विरह विदग्धता और प्रिय से मिलने की कामना को व्यक्त किया है। ये पंक्तियां संबंधों की गहरी अनुभूति का प्रमाण देती हैं। यह प्रसंग जायसी की लोक धार्मिकता का प्रमाण देता है। भाषा औध प्रदेश में सामान्य जनों द्वारा बोली जाने वाली ठेठ अवधी है। छंद चौपाई और दोहा नागमती की वियोग जन्य गहरी यातना और अभिव्यक्ति हुई है। यह यातना इतनी गहरी है कि नागमती को अपनी देह और पेड़ों से गिरने वाले पीले पत्तों में कोई फर्क नहीं नजर आता है। 13 चैत बसंता होई धौमारी, मोहि लेखय संसार उजारी। पंचम विरह पंच सर मरे, रकत रोई सागर है बन ढरे। बूढ़ी उठे सब तरी वर पाता, भीजी मजिष्ठ तेसु बन राता। बो रहे आम फरे अब लागे, अबहू आए घर कंत सौ भागे। सहस भाव फूली बनस पति, मधुकर धूमही सांवरी मलती। मोह कह फूल भय सब कांटे, दृष्टि परत जस लागही चाटे। फिर जो बन भय नारग शाखा, मुआ बिरह अब जाई न राखा। धिरनी परेवा होई पीऊ आऊ बेगी परु टूटी, नारी पराय हाथ है जो तो ही बिनु पार न छूटी। संदर्भ
प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि मालिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत प्रेम की सघन अनुभूति का काव्य है और प्रेम जायसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। प्रसंग व्याख्याएं पंक्तियों का संबंध नागमती के वियोग वर्णन से है। इन पंक्तियों में रत्नसेन के पद्मावती की खोज में चले जाने के कारण उसकी पत्नी नागमती की असहायता, निर्वलंबता, वियोगजन्य व्यवस्था और प्रिय से मिलने की उत्कट इच्छा की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस वियोग वर्णन में जायसी ने 12 मासा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी और सृजनात्मकता प्रयोग किया है। व्याख्या नागमती कहती है कि चैत्र के महीने में बसंत की धौमार होती है, सभी लोग आनंद और उत्सव मना रहे हैं, लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में यह संसार मुझे शुष्क, वीरान और निरस लग रहा है। कोयल का पंचम स्वर सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वह अभी मेरी तरह विरह से व्याकुल और कामदेव के पंच स्वरों से आहत है। इसी कारण वह सारे वन प्रदेश में रोती और रक्त के आंसुओं बहाती घूम रही है। इन रक्त के आंसुओं में सभी वृक्षों के समस्त पत्ते डूबे गए हैं। आशा यह है कि नौ पल्लव में जो लालिमा है वह उसी कारण है। उसी रक्त से भीग कर मजजीठ और टेसु के फूल लाल हो उठे हैं। वह कहती हैं कि आम के जिन वृक्षों में बैर लगे थे अब फलने लगे हैं। एक मेरी कामना ही फलवती नहीं हुई, इसीलिए हे मेरे सौभाग्य कंत, यही सोचकर घर लौट आओ। सारी वनस्पतियां हजारों भावों के साथ फूल उठी हैं, किंतु ये सारे फूल मेरे लिए कांटे बन गए हैं, जिन पर दृष्टि पड़ते ही शरीर पर चींटे रेंगने लगते हैं। मेरे शरीर रूपी नारंग वृक्ष की शाखा में यवन भर आया है, इसमें कूंच रूपी फल लग गए हैं, जिसे विरह रूपी तोते से बचना दुष्कर हो गया है। इसलिए हे स्वामी, तुम कौडिल्ला पंछी या गिरह ब्रज कबूतर की तरह आकर टूट पड़ो। तुम्हारी स्त्री विरह रूपी पराए हाथ में फंसी हुई है, तुम्हारे बिना वह उसके चंगुल से छूट नहीं पाएगी। विशेष इन पंक्तियों में जीवन की कठोर परिस्थितियों और मनुष्य की कोमल आकांक्षा के द्वंद्व को उभारा गया है। परिस्थितियां और आकांक्षा के बीच की यह द्वंद्व या तनाव ही इन पंक्तियों में कवित्व की सृष्टि कवि करता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने सुंदर बिंबों की रचना की है, जो पाठकों के मन में इंद्रिक संवेदन पैदा करता है। इन पंक्तियों में रचनाकार की लोकधर्मी दृष्टि और प्राकृतिक पर्यवेक्षणी शक्ति का पता चलता है। भाषा ठेठ अवधि है, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, छंद चौपाई और दोहा है। मोहि लेख संसार उजड़ी जस लगही चाट जैसे मुहावरे के प्रयोग से अर्थवत्ता में वृद्धि हुई है। 14 5 सितारे भा वैशाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी, सूरुज जरत हिमचल ताका, बिरही बजागी सौरथ हाका, जरत बाजगिनी करुपियु छहा, आई बुझाई अंगरन महा, तोई दर्शन होई शीतल नारी, आई अग्नि ते करु फुलवारी, लागी ऊ जरे जरे जस भारू, फिर भूजे तजे न बारू, सरबर या घटत निति जाई, टूक टूक होई के बिह राई, बिरहत हिया करहु पियुटे का, दिठि दौगरा मेरहु एका, कमल जो बिगासा मन सार बिनु, जल गयु सुखाई, कबहु बेली फिरी पलहु, जौ पियुन सींचे आई, शब्दार्थ ह्यूं चल ताका हिमालय की ओर दृष्टि की, अर्थात उत्तरायण हो गया बिहराई, विदर्ण हो गया टेका, सहारा आश्रय दवंगरा, दवंगरा वर्षा की पहली छड़ी मेरहु एक का, मिलकर एक कर दो। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि मालिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत
प्रेम की सघन अनुभूति का काव्य है और प्रेम जायसी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है। प्रसंग व्याख्या पंक्ति का संबंध नागमती के वियोग वर्णन से है। इन पंक्तियों में रतनसेन ने पद्मावती की खोज में चले जाने की कारण उसकी पत्नी नागमती की असहायता निरवलंबता वियोग जन्य व्याख्या और प्रिय से मिलन की उत्कट इच्छा की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इस वियोग वर्णन में जायसी ने 12 मासा वर्णन की प्रचलित काव्य रूढ़ी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। व्याख्या वैशाख के महीने में गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है। शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले वस्त्र और चंदन भी आग के समान लगने लगे हैं। सूरज जलता हुआ हिमालय अथवा उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता था, लेकिन विरह की ब्रज अग्नि में तपती हुई मेरी ओर अपना रथ हाँक देने के कारण ताप और बढ़ गया है। हे प्रिय, मैं विरह रूपी ब्रज अग्नि में ऐसे तप रही हूँ जैसे जलते हुए अंगारों में डाल दी गई हूँ। तुम छांव बनकर आओ और इन अंगारों को बुझाकर शीतलता प्रदान करो। तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं शीतल हो जाऊंगी या मेरी नाड़ी शीतल हो जाएगी। तुम विरह अग्नि से जलते मेरे शरीर को अपने प्रेम की वर्षा से फुलवाड़ी बना दो, जैसे बड़ भुजे के बाढ़ में भूनता हुआ अनाज बाल से दग्ध होकर भी उसी में तड़पता रहता है, उससे बाहर नहीं आता। वैसे ही मेरे प्राण तुम्हारी विरहाग्नि में तप रहे हैं। मेरे हृदय रूपी सरोवर का जल प्रतिदिन घटता जा रहा है। जिस प्रकार गर्मी में तालाब का जल सूख जाने के कारण उस समय दरारें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार मेरा हृदय भी दृढ़ हो गया है। हे प्रभु, तुम वर्षा की पहली बूंद के समान इसे सहारा दो, अर्थात अपने स्नेह रूपी वर्षा से इसे संतृप्त कर इसके दरारों को भर दो। मेरे हृदय रूपी मानसरोवर में जो कमल विकसित हुआ था वह तुम्हारे स्नेह जल के अभाव में सूखकर मिट्टी में मिल गया है। हे प्रिय, यदि तुम अब भी इस बेल को सींच दोगे तो यह पुनः पल्लवित हो जाएगा। विशेषता इन पंक्तियों में कवि ने वैशाख माह की गर्मी में सूखते सरोवर और विरहाग्नि में तपते नागमती के हृदय के बीच सुंदर सादृश्य उपस्थित किया है। इन पंक्तियों में जीवन की कठोर परिस्थितियां और मनुष्य की कोमल आकांक्षा के द्वंद्व को उभारा गया है। परिस्थितियां और आकांक्षा के बीच यह द्वंद्व या तनाव ही इन पंक्तियों में कवित्व की दृष्टि करता है। इन पंक्तियों में रचनाकार की लोकधर्मी दृष्टि और प्राकृतिक प्रवेक्षण शक्ति का परिचय मिलता है। बहुरी जो भुजासी तज न बारु पंक्ति में नागमती की एक निष्ठता प्रेम की अनन्यता और व्याकुलता की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा ठेठ अवधि है। सरबर हिया और दीठी दवंगरा में रूपक अलंकार है। छंद चौपाई और दोहा है। 15 5 सितारे जेठ जरे जग बहे लुआरा उठे बवंडर दिखे पहारा। बिरह जागी हिनवंत होई जगा लंका डाहे करे तन लागा। चारिहु पवन झकोरे आगी लंका डाई पलंक लागी। दई भई श्याम नदी कलिंदी बिरह की आगी कठिन असी मंदी। उठे आगी आवे आगी ओ आवे आंधी नैन न सूझे मरे दुख बांधी। उधजर भई मासु तन सूखा लागे हो बिरह काग होई भूखा। मासु खाई अब डांड लागा अबहु आयु आवत सुनि भागा। पर्वत समुद मेघ शशि दिन दिन अर सही न सकही यह आगी। मुहम्मद सती सराहिवे जरे जो अस पिया लागी। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा
रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। इन पंक्तियों में नागमती के विरह का साधारणीकरण प्रकृति का अवलंब लेकर किया गया है व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि ज्येष्ठ के महीने में सारी पृथ्वी जलने लगी है, आंधी के बवंडर उठने लगे हैं और तीव्र ताप के कारण पहाड़ में दहकने लगे हैं। विरह हनुमान की भांति गर्जना करते हुए जागृत हो गया है और लोगों के नागमती के शरीरों को लंका की भांति दग्ध करने लगा है। चारों पवन अपने झोंकों से इस विरह की आग को बढ़ाने लगे हैं और उसमें लंका ही नहीं अपितु पलंका तक जल उठी। इसी विरह अग्नि में जलकर ही यमुना नदी का जल काला हो गया है। विरह की अग्नि धीमी धीमी सुलगती आग की तरह अत्यधिक दुस्साहस हुआ करती है। आग भड़क उठी है जबकि अधड़ भी चल रहा है और इस दुख में ग्रस्त होकर मैं मरी जा रही हूँ। विरह अग्नि में जलकर मैं अधमरी हो उठी हूँ और मेरे शरीर का सारा मांस सूख गया है। विरह रूपी काग मेरे मांस को उसी प्रकार खा डालता है जैसे बुभुक्षित कौवा मांस पर झपटता करता है। विरह रूपी कौवे ने मेरे मांस का भक्षण करने के पश्चात अब मेरी हड्डियों को खाना आरंभ कर दिया है। हे प्राणनाथ, आप अब भी आकर मुझे जीवित बचा लीजिए, क्योंकि यह आपके आने का नाम सुनते ही भाग खड़ा होगा। नागमती की यह विरह अग्नि जो जेठ माह की लूओं के रूप में प्रकट हो रही है, इसको पर्वतों, समुद्र, बादल, चंद्रमा और सूर्य में से कोई भी नहीं सहन कर सकता। कवि मालिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि सती साध्वी नागमती की सराहना करनी चाहिए जो अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा में इस विरह अग्नि को सहन कर रही है। विशेष इन पंक्तियों में विरह अनुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। ये पंक्तियां गार्ह स्थिति के हम एक अनिष्ट प्रेम का निदर्शन है। कवि ने इन पंक्तियों में षट ऋतु वर्णन की कथानक रूढ़ियों का अपनाते हुए जेठ माह का अत्यंत जीवंत चित्रण किया है। प्राकृतिक में तदात्म्यता स्थापित करते हुए कवि ने नागमती के विरह को सामान्य नारी के विरह के समान ही चित्रित किया है। यह उसकी प्रभाव क्षमता में अद्भुत अभिवृद्धि करता है। जैसी इन पंक्तियों में लुआरा, बवंडर, दिन और जैसे ठेठ अवधि के शब्दों का प्रयोग कर कविता को भाषिक मिठास से भर दिया है। लंका छोड़ पलंका जा पहुंचने की लोकोक्तियां का सफल प्रयोग किया गया है तथा उपमा एवं रूपक अलंकारों के प्रयोग द्वारा काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की गई है। 16 5 सितारे तपे लगा अब जेठ अषाढ़ी भौ मोकह यह छाजनी गाढ़ी तन तिनवर भा झुरे खरी मैं बिरहा अगारी सिर परी साठ नाही लगी बात को पूछा बिनु जिय भयउ मुझ तन छूछा बंद नाही औकंद न कोई बाक न आवा कहे के रोई रि दुबरी भय टेक बिहुनी थम थम्ब नाही उठी सके न थूनी बरस ही नैन चू वही माह घर माहा तुम बिनु कंत न छाजन छाहा कोरे कहाँ ठाठ नौ सा जा तुम बिनु कंत न छाजन छा जा अबहु दृष्टि माया करू छन छहनीन तंजु घर आऊ मंदिर उजार होत है नौ के अग्नि बसाऊ शब्दार्थ माया दया नौ के नया करके संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का ही। इन पंक्तियों में नागमती के विरह का साधारणीकरण प्रकृति का आलंबन लेकर किया गया है। व्याख्या नागमती अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कह रही है कि जिस प्रकार की गर्मी जेठ माह के समाप्त होने और आषाढ़
के आरंभ में होती है, उसी तरह मेरे हृदय में भी विरह का ताप बढ़ गया है। मैं अकेली हूँ, वर्षा ऋतु आ चुकी है, मेरे प्रियतम घर में नहीं है, अतः मेरे घर के छाजन को कौन बनाएगा। मैं अपनी प्रियतम के विरह में तिनके के समान क्षीण और स्वप्नहीन हो गई हूँ। विरह पहाड़ बनकर मेरे सिर पर आ पड़ा है, और अब तो मेरी यौवन की पूंजी भी खत्म हो रही है। ऐसी दशा में मुझे कौन पूछेगा, मेरा प्राण तो प्रियतम के साथ ही चला गया है। इससे मेरा शरीर निर्जीव और चेतना शून्य हो गया है। इस संकट के समय न बंधु न बांधव, न नाते, न रिश्तेदार, न ही कोई सगा संबंधी मेरे साथ है जो मुझे सहारा दे सके। स्थिति यह है कि अब तो अकेलापन और शारीरिक मानसिक क्षीणता के कारण मुख से बोल भी नहीं निकलते हैं। फलतः अपने मन की वेदना को किसी के सामने रोककर भी नहीं बता सकती। नागमती, खंभे और थुनुकी की दृष्टता के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करती हुई कहती हैं कि जब खंभा ही नहीं होगा तो छप्पर के लिए धुनकी कैसे लगेगा, अर्थात तो जब पति ही नहीं होगा तो विरह मर्दिता पति पत्नी को आश्रय कौन देगा। हे प्रियतम, तुम्हारे न होने से मेरी काया आंसुओं के जल से सराबोर हो गई है। अगर तुम होते तो छाजन बनकर मुझे इन आंसुओं से भीगने से बचाने के लिए नया छाजन बना देते। नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे न होने से सुंदर परिधानों को पहनना और सौंदर्य श्रृंगार करना भी व्यर्थ लगता है, क्योंकि प्रियतम के बिना इनका कोई महत्व नहीं है। हे प्रियतम, तुम अब भी मुझे दया करो, जिस पास में बंध गए हो उससे वापस लौट आओ और मेरे जीवन को नव प्राण से अनुप्राणित कर दो। विशेषता इन पंक्तियों में अर्थ के दो संदर्भ हैं, पहला नागमती की देह का और दूसरा छप्पर का। पति की अनुपस्थिति में दोनों की स्थिति जर्जर है, लेकिन ऐसी जी योजना रचनाकार ने सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं किया है। इन पंक्तियों में वियोग जन्य अनुभूति की उस अवस्था की व्यंजना है जहाँ नागमती के लिए देह और छप्पर में कोई फर्क नहीं रह गया है। वह पिघल कर अस्तित्व मात्र रह गई है। अबहु दृष्टि गया कंठ छन छननहीन ताजु घर आऊ। इस पंक्ति में मध्य युग की कृपा केंद्रित संस्कृति की व्यंजना हुई है, इसीलिए वह अपने पति से कृपा की याचना करती है। इस पंक्ति में दामत्या और दामत्येतर प्रेम का द्वंद्व भी परिलक्षित होता है। ये पंक्तियां जायसी को लोक धर्मी दृष्टि से दृष्टि और प्रवृत्ति पर्यवेक्षणी शक्ति की परिचायक है। और क्षेत्र के सामान्य जन में प्रचलित शब्दावलियों का सुंदर प्रयोग, छंद चौपाई एवं दोहा। वियोग की चरम अवस्था में नागमती अपना रानीपन भूलकर सामान्य नारी की तरह व्यवहार करती है। लोक सामान्य की भाव भूमि पर उतरने की इस योग्यता के कारण ही यहाँ मर्मिकता और संप्रेषणता देखने को मिलती है। 17 5 सितारे रोई गंवाए, 12 मासा सहस 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 दुख एक एक सासा, तिल तिल बरख बरख परिजाई, पहर पहर जुग जुग न सेराई, सो नाही आवह रूपी मुरारी, जासो पाव सोहाग सुनारी, साँझ भय झूरी झूरी पथ हेरा, के कोनी सो घरी करह पीऊ फेरा, देही कोयला भई कंत सनेहा, तोला मासु रही नहीं देहा, रकत न रहा बिरह तन गारा, रति रति होई नैनन ढारा, पाय लागी जोरे धन हाथा, जरा नेहु जुड़वाहु नाथा, बरस दिवसी धनी रोवह के हर हारी परिचित ई झखी, मानुष घर घर बूझी कै बूझी निसरी पंखी। संदर्भ प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। इनमें रतन सेन के चले जाने के बाद नागमती के वियोग का वर्णन है। व्याख्या: नागमती के रत्नसेन के वियोग में रो रो कर 12 महीने काट दिए हैं, उसकी एक एक सांस हजारों
हजार व्यथाओं से भरी थी, एक एक पल भारी था, प्रत्येक क्षण कई वर्षों के समान और प्रत्येक पहर कई युगों के समान लंबा और दुखदायी था, लेकिन कृष्ण के समान सुंदर वह प्रीतम नहीं आया जिससे वह स्त्री सौभाग्यवती बन जाती। सांझ होने पर अपने पति को याद करते हुए वह बार बार उसका मार्ग देखती है कि वह कौन सा घड़ी होगी जब प्रियतम वापस आएगा। अपने पति के वियोग में जलकर वह कोयला के समान काली हो गई है। देह पर तोले भर भी मांस नहीं रहा, खून का एक बूंद भी नहीं रहा, शरीर से निचुड़ कर रति रति नयनों से ढुलक गया। नागमती कहती है कि हे नाथ, यह दासी तुम्हारे पांव पड़ती है, तुम्हारे वियोग में अत्यधिक विकल हो कर हा हा करके तुमसे अनुरोध करती है कि वापस लौटकर इस टूटे हुए प्रेम संबंध को फिर से जोड़ दो। जायसी कहते हैं कि इस प्रकार साल के प्रत्येक दिन निरंतर रोते हुए नागमती हृदय से हार गई है। पहले तो उसने घर घर जाकर लोगों से अपने प्रियतम के बारे में पूछा, अब वह वन के पंछियों से अपने पति का समाचार पूछने लगी है। विशेषतः सोन आव पीव रूप मुरारी, इस पंक्ति में सोने रूप सुहागा सुनारी आदि शब्दों का में संलेश अलंकार है। नागमती वियोग की चरम अवस्था में अपना रानीपन भूल कर समान नारी की तरह व्यवहार करती है। इसमें वियोग वर्णन में साधारणीकरण की अद्भुत क्षमता आई है। इन पंक्तियों में ऊहात्मकता भी है और संलेश्म का चमत्कार भी, लेकिन विरह के परिस्थिति जन्य होने के कारण इसमें रीतिकालीन कवियों की तरह फुहड़ता और कृत्रिमता नहीं अपितु विश्वसनीयता और मर्मिकता की अनुभूति होती है। भाषा ठेठ अवधि है, छंद दोहा और चौपाई है 18। भाई पू छार लिन वन वासु बैरिनी सवती दिन चिल वासु होई खर बान बिरह तनु लागा जे पियु आवह उड़ित तौ कागा हारिल भई पंथ मै सेवा अब त पठाए कौन परेवा धौरी पटुक कौ पियु नाऊ जौचित रोख न दूसरे ठाऊ जाहि बाय होई पियु कांठ लावा कैर मेरा बसाई गोरवा कोइल भई पुकारती रही महिरी पुकार ले ले ही दही पेड़ तिलोरी औ जल हंसा हृदय पैठी बिरह कंठ नुसा जोई पंखी के नियर होई कहे बिरह के बात सोई पंखी जाई जरी तिरवर होई नी पात। शब्दार्थ पूछार मयूर मोर पूछने वाली सौ अति सौत सौ पत्नी चिल बासु चिड़िया फांसने की फंदा चिल्ला हर हारी थकी हुई एक पंछी धौरी सफेद एक पंछी पीड़क पीली पंडुकी नामक पंछी जिसे पिंडुकुलिया भी कहते हैं चित रोक हृदय में रोष एक पंछी जाई बया संदेश लेकर जा और आ बाय पंछी कंठ लावा गले में गलाने वाला लावा की जाति का एक पंछी गौरा या गौरवंती भाग्यशाली गौरा ये पंछी कोयला को कील कोयला महरी स्त्री ग्वालीन पंछी दही दधी जल रही हूँ तिलोरी तोलिया या मैना पंछी कटनाशा कटनता और नष्ट करता है कटनाशा या नीलकंठ पंछी। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के भक्ति की काल की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपने ही प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्वप्रमुख प्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। इन पंक्तियों में नागमती के विरह का साधारणीकरण प्राकृतिक और आलंबन लेकर किया गया है। व्याख्या नागमती कहती है कि अपने स्वामी का पता पूछने के लिए मैंने वनवास लिया कि वहां पंछियों से अपने
वनस्पति के बारे में जानूंगी, लेकिन बैरिन सौत ने वहां भी पंछियों को फंसाने के लिए चिल्हबास लगा दिया। इतने पर भी कौवा यदि घर पहुंचा जाता है तो प्रियतम भी सौत के षड्यंत्र में शामिल होकर उस पर छिड़ बाण साधने लगता है। इस मार्ग पर चलते चलते मैं थक गई हूँ, पति को संदेशा देने के लिए अब किस पंछी को भेजू। प्रिय वियोग में श्वेत और पीली पड़ी मेरे लिए अब प्रिय का ही ठाव है। यद्यपि मेरे हृदय में उनके प्रति काफी रोष है, लेकिन इनके अलावा दूसरा नाम भी नहीं है जो वहां जाकर प्रिय को लेकर आए और कंठ गह कर अब उनसे मिलवा दे। मेरे लिए वही गौरवशाली और महत्वपूर्ण है आम की गुठली की कोयली पपया जैसी बनकर मैं पुकारती रही कि मैं जल रही हूँ, जल रही हूँ। प्यारी और तिलौरी आती है तो मेरा जी हंस जलता है। विरह हृदय में घुस कर क्यों मुझे मार रहा है। मैं जिस पंछी और पेड़ के पास जाकर अपनी विरह व्यथा सुनाकर प्रिय के पास जाने को कहती हूँ, वह पंछी और पेड़ जलकर नष्ट हो जाते हैं। विशेषतः उपयुक्त पंक्तियों में शैलेश की सुंदर योजना देखने को मिलती है। पूरे कड़ो वक में एक अर्थ नागमती की विरह दशा को व्यंजित करता है, दूसरा अर्थ जायसी की पंछियों का ज्ञान का परिचय देता है। शैलेश के चमत्कार के साथ साथ इसमें उहात्मकता भी, जो फारसी मसनवी काव्यों की विशेषता है। रीतिकालीन कविता में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन विरह की परिस्थितियों का जन्म होने के कारण यह रीतिकालीन कवियों की तरह फुहड़ता और कृत्रिमता नहीं, विश्वसनीयता और मार्मिकता की अनुभूति होती है। इन पंक्तियों और ऐसे ही अन्य प्रसंगों को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पूर्ण दशा धन्य है जिसमें मनुष्य ही नहीं बनके पशु पंछी पेड़ पौधे सब अपने लगने लगते हैं और उनसे सहानुभूति पाने की इच्छा मन में जागती है। वियोग की दशा में नागमती अपना रानीपन भूलकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर उतर आई है। भाषा ठेठ अवधि है, छंद चौपाई और दुआ है। शैलेश के अलावा अतिशयोक्ति अलंकार की भी सुंदर योजना हुई है। 19 5 सितारे कुहुकी जैसी कोयली रोई रकत आंसू घुगची बन बोई पै कर मुखी नैत तन राती को सिराओ बिराह दुख ताती जहां जहां ठाढ़ी होई बनवासी तह तह होई घुंग चिन्ह के राशि बूंद बूंद मह जाने हु जीव कुंज गुंज कर ही पीऊ पीऊ तो ही दुख डाहे परास नी पाते लोह बूढ़ी उठे पर भाते रात बिंब भय तो ही लोह परवर पाक फाट ही गोहू देखी व जहां सोई होई राता जहां सो रतन कहे को बाता न पावस ओही देश रे न हेबंत बसंत ना कोकिल न पपिहरा के ही सुनी आवही कंत शब्दार्थ राति लाल सिरावा ठंडा संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के भक्ति कालीन की सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि। कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इस उनमें सर्व प्रमुख प्रसंग राजा रतन सेन के नागमती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती के वियोग का है। इन पंक्तियों में नागमती के विरह का साधारणीकरण प्रकृति का अवलंबन लेकर किया गया है। व्याख्या इस पद में जायसी ने नागमती की विरह व्यवस्था की करुणिक चित्रण किया है। जायसी बताते हैं कि जिस प्रकार कोयल कुहुकती फिरती है उसी प्रकार वन वन में नागमती रोती फिरती रही है। उसके नेत्रों से गिरे हुए रक्त के आंसू ने मानो वन में गुंजा फलों बो
दिए हैं। रोते रोते उसका मुख काला, नेत्र तथा शरीर लाल पड़ गए हैं। लेकिन विराट समस्या है कि विरह से तप्त तो इस शरीर को कौन शीतलता प्रदान करे। वन में इधर उधर भटकती हुई नागमती जहाँ भी खड़ी होने जाती है, वहाँ वहाँ उसकी आंखों से रक्त के आंसू टपकने के कारण घुघचियों का ढेर सा लग जाता है, जैसे उसके आंसुओं के एक-एक बूंदों में प्राण हो और उन आंसू रूपी घुघचियों में से पी पी की पुकार उठ रही हो। नागमती के विरह के दुख के प्रभाव से पौलास के वृक्ष भी नेत्रहीन हो गए हैं। लेकिन सुबह में उसके रक्तासु में डूब कर लाल फलों से लदकर चमकीले हो उठे बिंबाफल अथवा कुंदरू कुंदरू उसी वक्त में डूब कर लाल हो गए है। उसके विरह के ताप से तप्त हो पर लौ वो पीले पड़ गए हैं। गेहूं का हृदय फट गया है। जहां भी और जिधर भी नागमती अपनी दृष्टि डालती है वही सब कुछ लाल हो जाता है, अर्थात उसके हृदय से प्रत्येक जड़ और चेतना वस्तुएं व्यथित एवं पीड़ित हैं। फिर जहाँ उसका प्रियतम रत्नसेन है वहां तक उसकी बात संदेश कौन ले जाए। वह कहती है कि ऐसा लगता है कि उस देश में न तो वर्षा ऋतु होती है, न बसंत ऋतु ही कभी आती है, और न वहाँ कोयल और पपीहे होते हैं। इसीलिए किसी किसे सुनकर और किसकी वाणी से प्रेरित होकर मेरे स्वामी घर वापस लौटे। विशेष इन पंक्तियों में विरह अनुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस मार्मिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा। इस विरह वर्णन की एक विशिष्टता यह भी है कि इसमें विशिष्ट जन और साधारण जन का अंतराल विलुप्त हो गया है। इसमें नागमती का रानीपन नहीं नारीपन उभरा है, जिसने इस विरह को साधारणीकरण की क्षमता प्रदान की है। प्राकृतिक के उपयोग की दृष्टि से ये पंक्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं। ये पंक्तियाँ एक विशेष दृष्टि से देखने पर मध्यकालीन नारी की वास्तविक स्थिति उजागर करती हैं। इन पंक्तियों की भाषा ठेठ अवधी है और इनमें निहित माधुर्य का एक बड़ा कारण लोक जीवन की अवधि का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग है। इस दृष्टि से जायसी की अवधि तुलसी की अवधि से काफी ही अलग है, क्योंकि तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाला है। सिंहल द्वीप खंड एक पूछे रजय कहु गुरु सुवा न जने आज कहाँ दिन उवा पावन बीस शीतल लय आवा क या डहत जनु चंदन लावा कबहु न औस जुड़ान शरीरु पराह अग्नि महमैल समीरु निकसत आव किरनी रवि रेखा तिमीर गए जग नीर मर देखा उठे मेघ अस जानहु आगे चमके बिजु गगन पर लागे ते ही ऊपर जस सचि परगासु औ शोकच पी चिन्ह भयहु गरासु और नखत चहुदिशि उजी आरे ठावहि ठाठ दीप अस बारे औरु दक्षिण दिशि नी अरे कंचन मेरु देखावा जस बसंत ऋतु आवे तस बांस जग पावा पाव शब्दार्थ उगा उगा निर्मर निर्मल नियरे समीप संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी कृत पद्मावत के सिंहल द्वीप खंड से लिया गया है। इन पंक्तियों में सिंहल द्वीप के रास्ते में मानसरोवर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या मानसरोवर में पहुंचकर राजा रत्नसेन वहां के विचित्र से वातावरण को देखकर समझ न पाया कि वह कहाँ आ पहुंचा है। इसीलिए वह हीरामन तोते से पूछता है, हे गुरु हीरामन, सूर्योदय के पश्चात पता नहीं हम किस स्थान पर आ गए हैं। यह शीतल पवन सुगंध बरसाता हुआ चल रहा है और विरग्नि से तप्त मेरे इस शरीर की ऐसी शीतलता प्रदान कर रहा है जैसे जलते हुए शरीर पर चंदन का लेप कर दिया गया हो। मेरा शरीर इतना शीतल पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात मेरे शरीर को पहले कभी इतने आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि में झुलसते शरीर को मल
यह पवन सहलाकर आनंद पहुंचा रहा है। सूर्य की किरणें अपनी प्रभा बिखरने लगी हैं, अंधकार छंटने लगा है और इन सब के फल स्वरूप यह संसार स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगा है। सामने ऐसा लग रहा है जैसे बादल उठते चले आ रहे हो और आकाश में बिजली चमक रही हो। उसके ऊपर मानो चंद्रमा अपने प्रकाश विकिरण कर रहा हो और यह चंद्रमा भी ऐसा धुंधला दिख रहा है जैसे उसमें ग्रहण लग गया हो। चारों ओर चमकीले नक्षत्र ऐसे चमक रहे हैं मानो जगह जगह पर किसी न किसी दीपक जला रखे हो। विशेष कवि ने मानसरोवर के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। उपमा अलंकार का अति सुंदर प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों की भाषा ठेठ अवधि है। इनमें निहित माधुर्य का एक बड़ा कारण लोक जीवन की अवधि का अत्यंत सहज स्वाभाविक प्रयोग है। इस दृष्टि से जायसी की अवधि तुलसी की अवधि से काफी अलग है, क्योंकि तुलसी ने संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाला है। तू राजा जस विक्रम आदि, तू हरिचंद बैन सतबादी, गोपी चंद तू जीता जोगा, औ भर थरी न पूज बियोगा, गोरख सिधि दिन्हीं तो ही हाथू, तारे गुरु मछिंदर नाथु, जीता प्रेम तू पूहु, मी अकाशु दृष्टि परा सिंगल कबिलासु, ओ जो मेघ गढ़ लाग अकाशा, बिजुरी कने कोट चौपाशा, तो ही भर शशि जो कच पी पचिन भरा, राज मंदिरी सोने नग जरा, और जो नखत कसी चौपाशा, सब रानी के अवासा, गगन सरोवर शशि कवल मुकुंद तराई पास, तू रवि उवर सो भंवर होई, पवन मिल लय बासन शब्दार्थ आदि पहले वैन वचन पहुमी, पृथ्वी नखत नक्षत्र कच पचिन्ह कृतिका नक्षत्र आही है, अवासा निवास स्थान संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत के सिंहल द्वीप खंड से ली गई हैं। प्रसंग रत्नसेन के प्रश्न रत्नसेन के पूछने पर हीरामन बताता है कि तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है और तुम सिंहल द्वीप आ पहुंचे हो। व्याख्या। आश्चर्यचकित राजा को समझाते हुए हीरामन ने कहा है कि हे राजन, तुम पूर्वज राजा विक्रमादित्य के जैसे हो। तुम राजा हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हो। योग साधना की दृष्टि से तुमने राजा गोपीचंद को भी जीत लिया है। तुम्हारे वियोग की समानता तो राजा भर्तृहरि भी नहीं कर सकते। गुरु गोरखनाथ ने तुम्हारे हाथ में सिद्धि प्रदान की है और गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने तेरा उद्धार कर दिया है। तुम्हारे अपने प्रेम के सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी दोनों को जीत कर लिया है। आज जो तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है वह स्वर्ग रूपी सिंहल द्वीप है। वह जो तुझे मेघ घटा जैसे प्रतीत हो रहा है वह मेघ घटा न होकर सिंहल के राजा का दुर्ग है। राजा का परकोटा चारों ओर से स्वर्ण जटित है जो अपनी चमक के कारण दूर से बिजली की तरह चमकता प्रतीत होता है। उसके ठीक ऊपर जो कृतिका नक्षत्र से दिखाई पड़ रहे हैं वे राजा के महल हैं। राजा के स्वर्ण महल में जड़े हुए हीरे मोती ही तारों के रूप में चमकते है। यह आकाश मानसरोवर के तुल्य है। आकाश में चमकने वाला चांद ही कमल के समान प्रतीत होता है, जबकि तारे रूपी कई प्रकार के कुमुद हैं। जो शीतल और सुगंधों से युक्त पवन चल रहा है यह उसी पद्मावती की सुगंध लेकर आया है। भौरा भी तो सूर्योदय होने पर इसी तरह सुगंधित लेकर आया करता है। विशेषतः राजा गंधर्व सेन के राजमहल की सुंदरता का प्रकारांतर से सुंदर वर्णन किया गया है। सांग रूपक और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पहुमी जैसे लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग शब्द पद में अवधि के मिठास भर देता है। तीसरा, पांच सितारे सो गढ़ देखु गगन नु ते ऊंचा, नैन देख कर ना ही पहुंचा,
जूरी चक्र भिरे चौ फेरी और जमकात फिरे जमकेरी घाई जो बाजा के मन साधा मारा चक्र भयउ दुई आधा चंद सूरज और नखत तराई ते डर अति रिखी फिर सबाई पौन जाय त पहुँचे च मारा तैस टूटी भुई बाह अग्नि उठी जारी भुई भूझी नी आना धुआं उठी उठी बीच बिलाना पानी उठा उठी जाई न छुआ बहुरा रोई आई भुई चुआ बहुरा रुई आउ भई चुआ रावण चाहा सौ होई फेरा उतारी दय उतारी गए दस माथ शंकर धरा ल लाट भुई और को जोगीनाथ पहुँच सद्दात पहुँचा पहुँचना जमकात यम की तलवार धाई दौड़ कर बजा पहुँचा साधा अभिलाषा दुई दो सब आई मस्त तैस ऐसा नी आना अंत में बिल आना अदृश्य हो गया बहुरा रोई रो कर लौटा आया सोए सामने जोग जोगीनाथ योगेश्वर। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत के सिंहल द्वीप खंड से ली गई है। प्रसंग हीरामन द्वारा सिंहल गढ़ की ऊंचाई और विस्तार आदि का वर्णन किया गया है। व्याख्या हीरामन ने आगे कहा है कि सामने दिखाई पड़ने वाला सिंहलगढ़ आसमान से भी ऊंचा है, उसे मात्र आंखों से ही देखा जा सकता है। उस पर चढ़कर पहुंचना या वहां तक हाथों को पहुंचाना अत्यंत कठिन है। जहां बिजली की तरह दिन रात चक्र घूमता रहता है, वह घूमता हुआ चक्र यम की तलवार की भांति प्रतीत होता है। यह भय चक्र बड़ा कठोर है और इससे टकराकर तो यम का खड़ग भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इस चक्र के भय के कारण ही तो चंद्रमा तारे सूर्य आदि आकाश में घूमते रहते हैं, भय से नीचे नहीं उतरते। हवा ने भी उसके समीप पहुंचने की बहुत कोशिश की, किंतु उसे भी इस चक्र ने मात दे दी और वह उसके भय से नीचे ही प्रवाहित होती रहती है। उसमें ऊपर पहुँचने की का साहस ही नहीं है। आग ने भी उसके सम्मुख जलने का प्रयत्न किया, किंतु वह भी उसके डर से जल गई। धुआं भी ऊपर उठने का प्रयास करता रहा, किंतु उस तक नहीं पहुंच सका और बीच में ही नष्ट हो गया। पानी ने भी मेघ बनकर उससे मिलने का प्रयत्न किया, किंतु वह भी उसको स्पर्श करने में असमर्थ रहा। इसी कारण वह रोने लगा और उसके आंसू पृथ्वी पर गिरने लगे। कवि का अभिप्राय यह है कि जिसे हम वर्षा कहते हैं, वह मेघ के रोने के कारण बहे हुए आंसू हैं। रावण ने भी इसी दीप के सम्मुख होकर इसको देखने का प्रयास किया था, जिसके कारण उसके दसों सिर काटे गए। शंकर ने भी उसके सामने हार मान ली और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। जब इतने महान लोग भी इस सिंहल दुर्ग के सम्मुख हार स्वीकार कर चुके हैं, तो फिर योगी और सन्यासियों का तो कहना ही क्या है। विशेषता इन पंक्ति के माध्यम से जायसी ने साधनात्मक रहस्यवाद पर प्रकाश डाला है और हठ योग की साधना की ओर संकेत किया है। सिंहलगढ़ की दुरुहतरा में हठ योग की साधना प्रणाली की कठिनता सामने आ जाती है। चौथा तहां देखु पद मावती रमा भौर न जाय न पंखी नमा अब सीधी एक देहु तो ही जोग पहले दरस होई तब भोगु कंचन मेरु देखाओ वासी जहां महादेव कर मंडप तहां ओहि खंड जस पर्वत मेरु मेरु ही लागी होई अति फेरु माघ मास पछिला पख लागे सिरी पंचमी होई आगे उघ रीही महादेव कर बारु पूजी ही जाई सकल संसारु पदुमावती पुनि पूजे आवा होई एही मीसु दृष्टि मेरा वा तुम ही गौ नहु मंडप ओई हौ पदुमावती पास पूजह आई बसंत जो पूजे मन के आस। शब्दार्थ जोग योग्य बारुद्वार
संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी कृत पद्मावत के सिंहल द्वीप खंड से ली गई है। प्रसंग गुरु हीरामन तोता राजा रत्न सेन को सिंहल द्वीप में रहने वाली पद्मावती से मुलाकात का तारीख बता रहा है। व्याख्या इस पद में जायसी पद्मावती और उसके निवास स्थान का विस्तार पूर्वक चित्रण कर रहा है। जायसी संकेत करते हुए कहते हैं कि उस सुंदर से सिंहल गढ़ में पद्मावती रहती है। वहाँ न तो कोई भौंरा ही जा सकता है और न ही कोई पंछी प्रवेश कर सकता है। सिंहलगढ़ की इस दुर्गमता का चित्रण करने के बाद गुरु हीरामन तोता राजा रत्न सेन को इसमें प्रवेश करने के तरीके बताता हुआ कहता है कि अब मैं तुम्हें एक उपयुक्त सिद्धि प्रदान करूंगा, जिससे पहले तुम पद्मावती का दर्शन कर सकोगे और फिर उसके साथ भोग विलास कर पाओगे। जहां तुम सोने का पर्वत देख रहे हो वहां महादेव का मंदिर है, जिसका शिखर सुमेरु पर्वत के समान है। वहां तक पहुंचने के लिए उस पर्वत के कारण बहुत चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। माघ मास के पिछले पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष लगते ही कुछ दिन के बाद बसंत पंचमी आएगी। उस दिन महादेव के मंदिर के पट खुलेगा और सारा संसार महादेव की पूजा करने के लिए वहां जाने को उत्सुक हो उठेगा। वहां पर पद्मावती भी पूजा करने के लिए आएगी। इसी बहाने तुम वहां दोनों एक दूसरे को देख पाओगे। इसीलिए तुम उसी मंदिर में जाओ और मैं पद्मावती के पास जाता हूँ। जब वह बसंत की पूजा करने के लिए वहाँ आएगी तब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। विशेषतः पूरे पद में अवधी भाषा की मिठास व्याप्त है। हिंदू रीति का उल्लेख जैसी की सांस्कृतिक समन्वय चेतना का प्रमाण है। छंद चौपाई और दोहा पांचवा रजय कहाँ रस जो पावे पर्वत कहाँ गगन कहाँ धावे जो ही पर्वत पर दर्शन लोहाना सिर चढ़े सौ चढ़े पाव का कहाना मोहि भाव ऊंचे सो ठाऊ ऊंचे ले प्रीतम के नाऊ पुरुष ही चह ऊंच ही आऊ दीन दीन ऊंचे राख पाऊ सदा ऊंच से ही मैं बारू ऊंचे सौ कीजे बेहारू ऊंचे चढ़े ऊंचे खड़े सूझा ऊंचे पास ऊंची बुद्धि बुझा ऊंचे संग संग नीति की जय ऊंचे काज जीव बलि दी जय दीन दीन ऊंचे होई सो जुही ऊंचे पर चाऊ ऊंचे चढ़त परि अ जो ऊंचे न छाड़ी काऊ शब्दार्थ काह क्या कहना ही क्या लोहना प्राप्त करना ही आऊ हृदय की भावनाएं से यू सेला कीजिए बारू दरवाजा बेवहारू व्यवहार परि अ गिर पड़ना। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत के सिंहल द्वीप खंड से ली गई है। प्रसंग रत्न सेन हीरामन से कहता है कि पद्मावती के दर्शनों के लिए तो वह सुमेरु पर पैरों के स्थान पर सिर से भी चढ़ सकता है। व्याख्या रतन सेन ने कहा कि यदि मुझे पद्मावती के दर्शन का शुभ अवसर मिले तो मैं पर्वत का तो कहना ही क्या आसमान पर भी दौड़कर जा सकता हूँ। जिस पर्वत पर मुझे पद्मावती के दर्शन सुलभ होंगे वहाँ पर मैं पैरों का तो कहना ही क्या सिर के बाल भी चढ़कर जा सकता हूँ। मुझे वह ऊंचा स्थान बहुत अच्छा लगता है और मैं ऊंची आवाज में प्रियतम का नाम पुकारूंगा। व्यक्ति को अपने हृदय में ऊंची भावनाएं रखनी चाहिए और अनुदित ऊंचाई की ओर ही कदम बढ़ाने चाहिए। व्यक्ति को सदा ऊंचे एवं महान व्यक्ति के द्वार पर ही सेवा करनी चाहिए और अपने से ऊंचे लोगों के साथ ही अपना व्यवहार रखना चाहिए। ऊंचे लोगों की बुद्धि भी ऊंची होती है, उन्हें ऊंची बात ही सुझा करती है। जो लोग ऐसे ऊंचे पुरुषों के संघर्ष में रहते हैं उनकी अपनी बुद्धि भी ऊंची हो जाती है। अतः व्यक्ति को सदा ऊंचे लोगों की संगति में रहना चाहिए और ऊंचे कार्यों के लिए पुरुषों को अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तत्पर रहनी चाहिए। जिसे ऊपर उठने की आकांक्षा होती है वह नित्य प्रति ऊंचा ही उठता जाता है। यदि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए अर्थात ऊंचा
चढ़ते हुए पर्वत व्यक्ति गिर जाए भी तो भी उसे ऊंचे चढ़ने की भावना नहीं त्यागनी चाहिए। विशेष रत्न सेन पद्मावती तक जा पहुंचने को अपनी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य स्वीकार करता है। प्रेम सूफी काव्य धारा का चरम मूल्य है जो इन पंक्तियों में दिखाई देता है। छंद चौपाई और दोहा है। छह तीन सितारे हीरा मणि दे बचा कहानी चला जहां पद्मावती रानी राजा चला सांवरी सोल ता पर्वत कह जो चला पर बाता का पर्वत चढ़ी देखे राजा ऊंचे मंडप सोने सब साजा अवृत फर सब लाग अपूरी ओ तह लागी सजीवनी मूरी चौमुखी मंडप चौक वारा बैठे देवता चौदुआरा भीतर मंडप चरिखम्ब लोग जिन्हें वह छू वे पाप तिन्हीं भोगे शंख घट घन बाजही होई औ बहु होम जाप तह होई महादेव कर मंडप जगत जतारा आउ आउ जो हिंछा मन जेहि के सौ ते सफल पाऊ शब्दार्थ बचा बचन सवारी स्मरण करता हुआ पर बता तोता अमृत अमृत अपूरी परिपूर्ण मूरी जड़ी जतरा यात्रा हिंसा इच्छा चंद्र प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत के सिंघल द्वीप खंड से ली गई है। प्रसंग रत्नसेन के शिव मंडप पहुंचने का वर्णन हुआ है। व्याख्या हीरामन तोते ने राजा को पद्मावती के समीप जाने का वचन दिया और पद्मावती के समीप चला गया। वैसे जैसे ही तोता पद्मावती की ओर गया रत्नसेन भी पद्मावती के नाम का स्मरण करते हुए शिव मंडप की या पर्वत की ओर चला दिया। उस पर्वत पर चढ़कर राजा ने देखा कि वहां उच्च शिव मंडप पूर्णतः सोने से सजा हुआ है। वहां सभी तरह के अमृत फल लगे हुए थे और संजीवनी बूटी भी लगी हुई थी। शिव मंडप चौमुखा था जिसके चारों द्वारों पर किवाड़ चढ़े हुए थे और चारों द्वारों पर देवता सुशोभित थे। उनकी मूर्तियां लगी हुई थी। मंडप के भीतर धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चार स्तंभ लगे हुए थे। इन स्तंभों को जो भी छू लेता था उसके पाप नष्ट हो जाते थे। वहां पर बहुत से शंख बज रहे थे तथा अनेक प्रकार के होम हवन और जाप हो रहे थे। उस शिव मंदिर की यात्रा के लिए संसार के सभी भागों से लोग आते थे और उनके मन में जो भी इच्छा होती थी वह पूर्ण हो जाती थी। विशेषतः सूफी काव्य की सांस्कृतिक समन्वय की भावना को इन पंक्तियों में लक्षित किया जा सकता है। केवारा दुआरा जैसे लोक जीवन के ठेठ शब्दों का प्रयोग इसे अवधि की वास्तविक मिठास से भर देता है। छंद चौपाई और दोहा है।